आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की पहल में स्व सहायता समूह की महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण डी आजीविका परियोजना के तहत गठित स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर स्व सहायता समूह को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। सीहोर जनपद के संकुल स्तरीय स्व सहायता समूह रानी दुर्गावती संघ को 150 महिलाओं को सीहोर के सरकारी स्कूलों के 53,400 छात्र छात्राओं के गणवेश बनाने का 1,20,00,000 रुपए का काम दिया गया है। समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को 8 से 10,000 रुपए महीना प्राप्त होगा। गणवेश की सिलाई गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरी की जा सके, इसके लिए इन महिलाओं को पूर्व में सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है। इस काम से समूह की महिलाओं को न केवल घर परिवार चलाने में मदद मिलेगी बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। सारी दीदियां हमारी कम से कम यहाँ पे 150 दीदियां काम कर रही है, कोई सिलाई कर रही है, कोई बटन लगा रही है, कोई काज कर रही है, कोई कपड़े बिछा रही है। यह आजीविका मिशन से एक तो रोजगार भी मिला है और दीदियों को बच्चे की यूनिफॉर्म सिलने का कार्य भी मिला है, तो उससे हम बहुत खुश हैं। हमें सरकार के द्वारा ये काम मिला गया है और बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। हमारी सारी दीदी एकदम परफेक्ट हो गई है।